हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और ये क्विक वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि चिरोधा के अंदर ऑप्शन फ्यूचर और एमसीएक्स मार्केट में ऑर्डर कैसे लगते हैं, आप करेंसी भी इसमें काउंट कर सकते हो, मतलब कैश मार्केट से जो अलग सेगमेंट होते हैं उसके अंदर ऑर्डर कैसे लगते हैं। तो काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो सेंटेक्स नहीं बना पाते या उन्हें सिंबल जो होता है वो सही नहीं मिल पाता। जैसे एज एग्जाम्पल कई लोग मैंने देखे हैं बैंक निफ्टी के अंदर ऑर्डर लगाना चाहते हो तो क्या लिखते हैं, बैंक निफ्टी लिख देते हैं और ऑर्डर डालते हैं तो ऑर्डर लगता ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब सही जगह टारगेट नहीं करोगे, बैंक निफ्टी कोई सिंबल थोड़ी है। अब बैंक निफ्टी में तो कई सेगमेंट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर, मई फ्यूचर, जून फ्यूचर, पता नहीं कितने टाइप के फ्यूचर। तो सही उसको एड्रेस नहीं दोगे तो ऑर्डर जाएगा कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं इसके लिए क्या करा जाता है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने एपीआई कनेक्ट कर रखी है और आपको सेंटेक्स बनाने आते हैं, मैं उस बेस पे वीडियो बना रहा हूं। तो ये हमारी वेबसाइट है, आप सेंटेक्स पेज को ओपन करोगे, न्यू टैब पे ओपन कर देता हूं मैं। यहां पर जाने के बाद आप सेंटेक्स बनाते हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, कभी भी आप कोई भी एक सेंटेक्स बनाते हो अपने ब्रोकर पे डबल क्लिक कर लिया करो जिससे कि वो सेंटेक्स डबल क्लिक से रीसेट हो जाए। तो हमने जिरोधा पे क्लिक करा क्योंकि हम जिरोधा का बारे में बात कर रहे हैं और हम जिरोधा की वेबसाइट पे जाएंगे काइट पे। तो सेंटेक्स का सिंबल देखो, अगर आप नॉर्मल ऑर्डर बनाते हो, एज एग्जांपल आप नॉर्मल ऑर्डर बनाते हो, एज एग्जांपल मैं एसबीआई बना रहा हूं तो ये एसबीआई तो आपको सजेशन में दिख जाएगा। बट अगर मैं बैंक निफ्टी का कोई फ्यूचर वगैरह लेना चाहता हूं वो सजेशन में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो एसबीआई है ये सदाबहार, ये सिंबल हमेशा एसबीआई नहीं रहेगा, बहुत कम चांस है इसका चेंज होने के। पर जो फ्यूचर ऑप्शन और एमसीएक्स के जो सिंबल होते हैं एवरी मंथ चेंज होते रहते हैं तो इस वजह से दिक्कत होती है, इसलिए हमने ऐड नहीं कर रखे, आपको साइट से कॉपी करके लेके आने होते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे रिसेट करने के लिए कि ये चार्ट रिसेट हो जाए। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं, मैं दोबारा क्लिक, हाँ ये हो गया, थोड़ा सा टाइम लेता है रिसेट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपनी इस वेबसाइट पे। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, इनके पास जिरोधा वालों के पास दो चार्ट होते हैं, मैंने दोनों चार्टों को नाम दे रखा, एक है इनका लोकल चार्ट जिनको मैं इनको नाम दे रखा आईक्यू चार्ट और एक है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करना है, अपने यूजर नेम पे जाना है प्रोफाइल के अंदर, इधर हम गए और यहां जाने के बाद जब जैसे आप नीचे करोगे यहां पर चार्ट के अंदर आपका बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होगा, इसको ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहां पर वो सर्च करना है जो आप करना चाहते हो। एज एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी में काम करना चाहता हूं, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ये हम जून का फ्यूचर उठा लेते हैं और इसके चार्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर अब बैंक निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। अब ये चार्ट खुल गया तो हमें सिंबल जो कॉपी करना है यहां से कॉपी करना है, ये रहा, हम कंट्रोल सी करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी हो गया। अब हम अपने सिंटेक्स पेज पे जाएंगे, रेगुलर ऑर्डर डाल के दिखा देता हूं, यहां सिंबल डालेंगे। अब हमने इसे सही डायरेक्शन दे दी, सही एड्रेस दे दिया कि भाई तुझे पहुंचना यहां पर है। उसके बाद ये आता है एनएफओ के अंदर, एनएफओ दे दिया, क्वांटिटी हम 20 लेंगे, बाय करना चाहते हैं, मार्केट ऑर्डर में करना चाहते हैं, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, बस एक एज एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। एमसीएक्स ऑर्डर है, जनरेट कोड करा, नॉर्मली जिसके अंदर जो ऑर्डर होता है आई थिंक वो होता है एमसीएक्स, उसके अंदर एमसीएक्स कह रहा हूं, एमआईएस ऑर्डर है, जो एनएफओ मार्केट के अंदर एक नॉर्मल ऑर्डर भी होता है जो डिलीवरी होता है। तो यहां तीनों ऑप्शन दे रखे, कॉपी करा सेंटेक्स, ट्रेडिंग व्यू पे गया, ये रहा मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। चार्ट के अंदर आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स खोल सकते हो क्योंकि बैंक निफ्टी का इंडेक्स आपको यहाँ वो ऑप्शन और फ्यूचर नहीं मिलता, तो आप स्पॉट के चार्ट से आप ऑप्शन और फ्यूचर पे काम कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्रूड ऑयल के चार्ट से ऑर्डर लगा रहा हूं, आप इंडेक्स से ऑर्डर लगा सकते हो, राइट क्लिक करा। पहले से मैंने वेबुक यूआरएल डाल रखा है, जिन लोगों को नहीं पता वेबुक यूआरएल क्या होता है, आप अपने इस यूजर नेम पे क्लिक करेंगे आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पर थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो रखा है इसकी वजह से लेट खुल रही है, तो ये आप इसको तीसरे नंबर पर, ये क्विक कॉपी बॉक्स है, इस पे तीसरे नंबर पे वेबुक यूआरएल है, इस पे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। आपको यहाँ वेबुक यूआरएल में डालना जब भी आपके ऑर्डर जाएंगे और आपको अपनी एपीआई कनेक्ट करके रखनी जो मैंने पहले से कनेक्ट कर रखी। तो मैं यहाँ पर सेंटेक्स डाल देता हूं। अच्छा, सेंटेक्स डालने से पहले एक चीज और बता दो जो नया अपडेट करा है। अब पहले हम तो सेंटेक्स डालते थे तो काफी सारे जो अलर्ट्स होते थे ना सेम सेम दिखते थे, अगर 15-20 अलर्ट्स बना रखे सेम सेम दिखते थे। अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, एज एग्जांपल एक्स वाई जेड, हमने यहां कुछ भी टाइप कर दिया एक्स वाई जेड इसको नाम देने के लिए और इंटर मार के अपना सेंटेक्स डाल दिया। सेंटेक्स कहां से लेके आए हम, सेंटेक्स यहां से लेके आए, कहां से, यहां से, ये कॉपी बटन से कॉपी करा था। अब करने के बाद हमने सेव करा, जैसे हमने सेव करा यहां पर अलर्ट्स में शो हो जाएगा और इसका नाम शो होगा एक्स वाई जेड, इट्स मीन कि हमें पता है कि हमारे इस अलर्ट्स का जो है बैंक निफ्टी का, ऐसे आप कोई भी नाम दे सकते हो एज अ रेफरेंस। और हमने इसे क्लिक करा, ट्रिगर कराया जानबूझ के, आप कोई भी इंडिकेटर से ये सारी चीजें कर सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं इंडिकेटर लगाने का इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूं, यह ट्रिगर हो गया। इधर जाते हैं और ऑर्डर बुक में जाते हैं तो यहां पर देखिए ये मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट इसलिए हुआ
क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं आपको एक डेमो दिखा रहा था। तो ये मैंने आपको फ्यूचर का दिखा दिया, इसी तरीके से आप ऑप्शन भी करोगे। अब M6 का दिखा देता हूँ, क्रूड ऑयल के, क्रूड ऑयल कर लेता हूँ, क्रूड ऑयल फ्यूचर ये आ गया, इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये चार्ट ओपन करा, चार्ट ओपन होने के बाद मैंने इस पर क्लिक करा, कॉपी करा, ऑर्डर में जाते हैं जिससे मैं आपको दिखा सकूं। सेंटेक्स में जाएंगे, क्लोज करेंगे, जो मैं हमने आपको पहले बताया था, डबल क्लिक करना हर ऑर्डर बनाने के बाद। इसकी भी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कौन सा ऑर्डर क्या क्या काम करता है, पर अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने यहाँ सिंबल डाला जिसमें जानना चाहता हूँ मार्केट, ये MCX है, क्वांटिटी 1 डालते हैं, बाय करना चाहते हैं मार्केट ऑर्डर में, और MIS ऑर्डर, जनरेट कोड, कॉपी, कॉपी करा, इधर गए। अब आप कोई भी इंडिकेटर में अपना अलर्ट्स डाल सकते हो, मैं हॉरिजेंटल लाइन में डाल रहा हूँ। मैंने फिर से यहाँ लिख दिया, कुछ भी टाइप कर दिया, A to Z जो मुंह में आया वो टाइप कर दिया, जो टाइप हुआ, और ये सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव करा, उसके बाद मैं इसे टिगर कराने जा रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने टिगर कराया, टिगर कराने के बाद जैसे ही मैं टिगर कराऊंगा, यहाँ पर आप देखोगे कि ये अलर्ट्स आएगा। जैसे अलर्ट्स आएगा उसके साथ टाइमिंग भी आएगी, इंडियन टाइमिंग मैंने सेट कर रखी है, ये टाइमिंग भी आ गई। अगर हम जरूरत पे चलते हैं तो ये रिजेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप ऑप्शन, फ्यूचर और MCX करेंसी, सबके ऑर्डर इसी तरीके से लगाओगे। दो डेमो दिखा दिए मैंने, अगर ऑर्डर की टाइमिंग देखोगे, दोनों ऑर्डर की देखते हैं, तो ये ऑर्डर आया था मेरा 3:06:19 पे। अगर हम इधर जाके टाइमिंग देखें तो ये ऑर्डर कब गया था, 3:06:16, मतलब 3 सेकंड में ऑर्डर आ गया था मेरा। उसी तरीके से दूसरा ऑर्डर देखे, 3:07:36 पे यहां से ऑर्डर टिगर हुआ था, और इधर कब आया, 3:07:38 में, तो 2 सेकंड में ऑर्डर आ गया। इस तरीके से आप ऑर्डर की भी टाइमिंग कैलकुलेट कर सकते हो। ऑर्डर की टाइमिंग आपके ब्रोकर पे डिपेंड करती है, जितने आपके ब्रोकर पे ट्रैफिक होगा उतना ही लेट आपका ऑर्डर जाएगा। ये हमारे पास से कोई वो नहीं है, जब तक आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर नहीं लगाएगा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों ऑर्डर होते हैं लाइन में, और एक एक करके आपका ब्रोकर सबके ऑर्डर लगाता है, नंबर वाली नंबर, आपका जो नंबर होता है उसी नंबर पे जाता है। अभी के जो ऑर्डर दोनों गए हैं वो 2 से 3 सेकंड लगे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।